ओम श्री गोलू देवताय नमः। सामने जो नदी बहती हुई दिख रही है, यह है गोमती नदी और ये पुल क्रॉस करते हुए जाएंगे हम घर। ये बस रात को सोने को घर ले जा रहे हैं, बाकी चला ही रहे। देखो ये है नौला, यहाँ सदा बहा 24 घंटे 24x7 पानी आता है। मामा जी ने बोला एक ही चढ़ाई है, झूठे। मंदिर का प्रसाद मंदिर में ही बनेगा बिल्कुल। यहाँ जवाई की रसोई हो रही है। फाइनली हम पहुंच गए हैं नानी के घर, पूरे 4 साल बाद। हम लोग पहुंच गए नानी के घर। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हम उठ गए हैं यहाँ पे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देखो मैंने लिया हुआ है, बहुत ठंडा है यार। चलो बाहर का नजारा देखते हैं, गलत होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ बन रही है चाय जवाई के लिए। ब्रश कर रहा, मुझे भी ब्रश दो। बस वो बैग में पर्स में जाओ। अरे यार ले लो, इनका कमरा देख रहे हो, गरम हो रहा होगा इनका कमरा। हाँ गोट कहते हैं, गोट। यस आई नो। गड्ढे का ट्राई हो चुका है और माहौल चारों तरफ का बहुत ही बढ़िया इलाका है, एकदम ठंडा और मस्त। ठंडे में चिल्ड हो रखा है मामला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। और पीछे मेरे अदरक के पेड़, यहीं से अदरक उखाड़ो, चाय में डालो और चाय पी लो। चाय बन गई। यस, वो भी अदरक वाली। तो यहाँ देखो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आटा हाथों हाथ पीसते हैं और खाते हैं। ओम श्री गोलू देवताय नमः। टाइम हो गया है सुबह का 7:30 और मैं और विमल मार्केट तक आए थे। जरा मार्केट क्या मतलब, थोड़ा रोड पे दुकान है तो अपने आप में सुपर मार्केट है, सारा सामान मिलता है। इसलिए पूजा के लिए थोड़ा फल और घी जो भी चढ़ाने वढ़ाने का है वो लेके अब होगी पूजा गोलू देवता जी के मंदिर में। फिलहाल नहाना धोना नहीं हुआ, बाकी लोग अपना रेडी हो रहे होंगे तो 10 मिनट लगना है बस, हो जाएगा। 10 और 10 20। और सामने जो नदी बहती हुई दिख रही है, यह है गोमती नदी और ये पुल क्रॉस करते हुए जाएंगे हम घर। क्योंकि बागेश्वर में क्या है कि 3 नदियों का संगम है, गोमती, सरयू और सरस्वती। तो खैर अदृश्य है लेकिन उनका माना जाता नहीं। तो अभी आज तो यहाँ पूजा पाठ रहेगा, कल शायद हम जाएंगे बागनाथ, तो बागनाथ के दर्शन भी आपको कराए जाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बहुत ठंडी हवा चल रही है पुल पार करते हुए, कड़कड़ा जा रहे नाक कान। और वो देखिए सामने घर, वर्षा छत में वहाँ से फोन कर रही है। यार ये सही है कि दूर दूर तक भी मतलब वहाँ से हम कहीं भी जाएं वहीं से दिख जा रहा है कि कर क्या रहे हैं। देखो यहाँ से निगरानी हो रही है। पुल में खड़े होके हम चाट मसाला खा रहे थे। तुलसी का पेड़ बहुत ही विकट। हेलो, ये बस रात को सोने को घर ले जा रहे हैं, बाकी चला ही रहे। ऊपर से व्रत भी हो जा रहा है, पूरा पूरा दिन रात को ही खाने को मिल रहा है। तो भैया नहा धो के तैयार हो गए, निकल गए हैं ऊपर मंदिर में। गोलू देवता के मंदिर में जाएंगे, पहले पूजा पाठ होगा और हालत कैसी है तो आपको पता ही होगा। और हर किसी के परिवार में एक जो लेट लतीफ़ा होता है, हमारे में ये है। सो धक्का मार मार के ले आना पड़ रहा है। देखो बाकी मामा जी पापा सब लोग आगे पहुंच गए। अरे 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 बस 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 बस। फाइनली बिल्कुल भागते हुए मैं पहुंच गई हूँ गोलू देवता के मंदिर में। आओ आपको भी ले चलते हैं। बचपन में जब हम नानी के घर आते थे मैं बस ऊपर जाती थी और जिस दिन नीचे आना वाला होता था, घर जाना होता था मीन्स, उसी दिन मैं वापस नीचे आती थी। जो भी खाना पीना सब नाना जी को बोल दो, नाना जी तुरंत घर में अवेलेबल करवा देते थे मामा जी को भेज के। मतलब ऊपर नीचे नहीं आना जाना होगा। यहाँ पे गोलू महाराज जी के मंदिर में हमने दिया जला दिया, हाथ जोड़ दिया। बाकी यहाँ की जो मेन पूजा है वो होगी कल। फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर गाँव को। तो यहाँ पे ये था कि हे गोलू देवता, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ,
तो हमारा जो सफर है वो अच्छे से करवा दे, पैरों में ताकत दे, शक्ति दे। देखो ये है नौला, यहाँ सदा बहार 24 घंटे 24x7 पानी आता है, वो भी बिल्कुल चिल्ड। हम लोगों का महंगे से महंगा फ्रिज भी फेल है इसके सामने। पानी का इतना अच्छा टेस्ट होता है क्या ही बताएं। जितनी सर्दी पड़ेगी उतना गर्म होगा वो, तो धुआं आता होगा फिर तो उसमें दिसंबर में। तो जो मेन जो चल रही है वो अब स्टार्ट हो रही है। ट्रैक बहुत ही मस्त, मंदिर सामने सामने मंदिर दिखने लग गया। मामा जी ने बोला एक ही चढ़ाई है, झूठे। फाइनली पहुंच गए मंदिर। धुनी जला दी है, पापा लोग वहां पूजा कर रहे हैं और यहाँ जवाई और सास चूल्हा बना रहे हैं। गुड गुड, मैंने हाथ से घास काटने के लिए। गुड, वेरी गुड, तालियां। और मैं यहाँ कर रही हूँ मजे, व्यू का आनंद ले रही हूँ। ये मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ये देखो कितना सुंदर व्यू है, ये देखो वो हिमालय की चोटी दिख रही है बिल्कुल थोड़ी सी, और ये देखो व्यू क्या मस्त व्यू आया है। वाओ, ये देखिए काम काजी इंसान। मंदिर का प्रसाद मंदिर में ही बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ जो मंदिर है वहाँ जो प्रसाद जो भोग लगता है भगवान जी को वो यहीं बनता है, और यहाँ औरतें का कुछ काम नहीं होता, औरतों का सारा काम जेंट्स का होता है। तो प्रसाद भी पापा ये और मामा जी में से कोई बनाएगा। हम आटा गूंध रहे हैं भोग बनाने के लिए, और वो भी यही गूंधेंगे। यहाँ जवाई की रसोई हो रही है। ये बन रहा है भोग, वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह जी, दे दिया जितना देना था, हो गया वो। अच्छा हो रहा है, फिर हो गई है पूजा खत्म और प्रसाद हम लोग खा रहे हैं। हम जाएंगे वो वहाँ नानी के घर, वो पहाड़ है उसको उस पार है। जो पैदल काफी चलना पड़ेगा लेकिन अभी और नहीं, है। नहीं नहीं थोड़ा सा ही है। अच्छा, ये सीधी गली जा रही है। गली। फाइनली हम पहुंच गए हैं नानी के घर पूरे 4 साल बाद। तो ये है सामने नानी का घर ननिहाल। ओ नानी, हम लोग पहुंच गए नानी के घर और ये देखो ये चल रही है मेरी शादी की वीडियो। तो अब गए सब खाना खाने, मामी ने खाना बना दिया है और मेरा खाना यही आएगा क्योंकि मैं नानी के साथ बैठ के ही खाऊंगी। नानी के साथ, नानी आओ जा। कहता है हर कोई नानी की परछाई। अरे लागने भोन भो 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 ने जी कितना जी का बोले जी बोले दियो बोले दियो। हमें हरेला लगा दिया है, अब चलते हैं घर को। मामा जी कल आते हैं, शॉर्टकट अपनाते हुए। अब पैर जमा गया, तुम मुझे मत खींचो यार। शाम हो गई है, सुबह जैसे सूर्य देवता निकले थे अब ढलने लगे हैं। हमने सुबह सूर्य देवता उगते हुए भी देखे, अब हम ढलते हुए भी देख रहे हैं। यही मजा है जी, पहाड़ों में रहने का। ससुराल में आके बहुत खा दिया, पेट बाहर आ गया, 2 दिन से दबा के खा दिया। व्रत रख रहे तो एक ही टाइम में मैं सब लपेट ले रहे हैं, कुछ बचना है नीचे ससुराल का माल है। तो हम लोग पहुंच गए मामा जी के घर और हो रही है बहुत ज्यादा ठंड। शाम होते होते यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, दिन में तो धूप आ रही है तो गर्मी हो रही है,
और शाम होते होते ठंड। और यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, पानी आना बंद हो गया है। तो वो देखो कुछ लोग वहाँ गए हैं। और यहाँ जो निगरानी दे रही है वो है ये खिलौनी, पानी बिल्कुल ही इसमें नहीं है। ये खाती हूँ, खाली कर दिए इन लोगों ने। आप क्या करने गए थे? और को तो चलो समझ आया। आप मैं नहीं तो सबसे और वो आप बताए आइडिया है और क्या ये इसको देखो ये बड़ी दिक्कत होगी। अरे हट्टा पूरा भीग रहा है, पानी कम थोड़ा होगा। और यहाँ होने भी कुछ शानदार, मैं ससुर और जवाई के बीच में। ये देखिए जवाई हारते हुए ससुर से। चूल्हे की रोटी गर्मा गर्म। यहाँ लोगों के खाने का टाइम हो गया और इसके अभी तक पूजा ही नहीं हो रही है। अरे यार भाई, मतलब टाइम हो गया है, अब सोने का खाना वाना सब ने खा लिया है, डिनर हो चुका है, बातें बातें हो गई है और बहुत ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मैं खुद लगाऊंगी और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि जवाई राज जैसा ससुराल के भी ससुराल आए हैं। महा ससुराल बुरा है हाल, इंदा ससुराल ऑफ ससुराल। जय श्री राम। क्या था ये खाली ऐसी था के बाय।